ग्वालियर में सात दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने का एक सिपाही के ककेटो डैम में डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें, सिपाही की मौत ज्यादा गहराई पानी में जाने से हुई है, जिसकी सूचना दोस्तों ने पुलिस को दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला ग्वालियर के ककेटो डैम का है, जहां ककेटो डैम में 32 वर्षीय सिपाही मदन मोहन की डूबने से मौत हो गई है। मदन मोहन 13 बटालियन SF में क्लर्क था। वह अपने सात दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए ककेटो डैम आया हुआ था, जहां खाना पीना कर मदन मोहन डैम में नहाने चला गया। नहाते समय सिपाही गहराई में चला गया। पानी में जब वह नहा रहे सिपाही को दोस्तों ने डूबते हुए देखा, लेकिन वह लोग तैर नहीं पाते थे, इसलिए उसकी मदद नहीं कर सके। वह मदद के लिए चिल्लाए, तब उसकी मौत हो गई थी। बाद में उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों को उतार कर सिपाही को शव को बाहर निकलवाया और PM के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक मदन मोहन के पिता 13 बटालियन में कार्यरत थे, जिनकी नौकरी के दौरान उनका निधन हो गया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक 13 बटालियन का कांस्टेबल था, जो कि ये लोग वहाँ पे नहाने तैरने गए हुए थे, उसमें डूब के इसका निधन हो गया है। और विभागीय कार्रवाई जैसी होती है, वो सब बटालियन के स्तर पे की जाती है।